कर दे शुरू। अरे हाँ जी ना जी तो बोलिए। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इससे पहले कहीं पे देखा हुआ है? कहाँ? हाँ पर 8th स्टैंडर्ड में ना। ठीक है, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एज इट इज वैसा ही है, तो ज्यादा कोई नई चीजें है नहीं, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, पिछली बार की तरह स्प्लिटिंग द मिडल टर्म थोड़ा डेप्थ में आएगा, थोड़ी गहराइयाँ उसमें ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल 9, सवाल मेरे साथ ही लिख लो। एग्जाम्पल 9, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y, प्लस 6 बाई यूजिंग द फैक्टर थियरम, फैक्टर थियरम। ठीक है। अच्छा, फैक्टर थियरम के इससे पहले के जो प्रॉब्लम किए उसमें आपने क्या किया, कोई मुझे थोड़ा हल्का फुल्का याद दिला देगा? अभी तक जो फैक्टर थ्योरम के प्रॉब्लम किए उसमें हमने क्या क्या किया? उसमें सर ऐसा याद आ रहा, पर इसके अलावा भी दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं 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 नहीं, अभी इससे पहले जो हमने कल तक जो प्रॉब्लम किए, हाँ, जीरो फाइंड करते थे, या तो फिर वो दे देते थे कि ये उसका फैक्टर है कि नहीं, वेरीफाई करो, पता है, बाद में हम एक्स की वैल्यू निकालते थे और सब्स्टिट्यूट करके देखते थे कि वो है कि नहीं, राइट, उतना था। ठीक है, यहाँ पे भी फैक्टर थ्योरम ही इस्तेमाल करना है, पर यहाँ पे अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 डाल के देखोगे तो इट विल टेक मच लॉन्गर टाइम, राइट। तो हम इसमें डायरेक्टली जो फैक्टराइजेशन स्टैंडर्ड 8 में 4th आइडेंटिटी थी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, उसी हिसाब से इसको स्प्लिट करना सीखेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए सबसे पहली चीज हम करते थे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते थे, याद है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? हाँ, प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, तो ए की जगह पे 1 है, एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर है, बी की जगह पे 5 है, सी की जगह पे 6 है, वाई की जगह पे एक्स है, मतलब वेरिएबल में फर्क नहीं है, सिर्फ ए बी सी में फर्क है, राइट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू वॉट 1, b is equals to what? -5. Very good. c is equals to what? 6. उसके बाद हम क्या करते थे? सर उसके बाद हम a into c, हाँ, और जो बीच का नंबर है ना, हाँ, उसको obtain करते थे, very nice. हम first और last coefficient को multiply करेंगे, first coefficient, last coefficient. इसको multiply अगर हम करें तो 1 × 6, 1 × 6 = 6. बाद में अगर आपको याद हो तो 6 को हमें उस तरीके से तोड़ना था, 6 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि उनको जोड़ने के बाद हमें बीच वाला कोएफिशिएंट यानी कि -5 मिले। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, -2 - -3। तो देखो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -2 - -3 - 5। अभी देखो माइनस माइनस प्लस, 2 × 3 = 6, ऊपर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट साइड पे भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमें ये मिडल टर्म इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। तो अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं फिर से लिख दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले सवाल ही, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो नहीं लिख रहा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है, पर कभी कभी आ जाएगा,
अब ए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे करना है, माइनस टू और माइनस थ्री, तो इसको मैं क्या लिखूं, y स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स, क्लियर। बाद में हम क्या करते थे सर, इसमें से ना वो कॉमन ग्रीक रूपी दो दो के जोड़े बनाते थे पहले, हाँ, तो पहले इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, रीग्रुपिंग हो गया। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, तो अगर y को हम कॉमन निकाल ले तो बचेगा क्या, y माइनस टू। सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन है, थ्री या माइनस थ्री, ठीक है। अभी माइनस थ्री अगर घर के बाहर निकालते हो तो वो रूल तो आपको याद ही होगा कि माइनस शैतान बच्चा है, घर के बाहर निकलते वक्त भी अंदर की साइन चेंज कर देता है और घर के अंदर जाते वक्त भी साइन चेंज कर देता है, हाँ। तो ये जो माइनस वाई था वो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, और ये प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस, ये सिक्स मतलब थ्री टू जा थ्री हमने निकाल लिया तो बचा क्या, टू। अभी यहाँ पे y माइनस टू, यहाँ पे भी कॉमन y माइनस टू, यहाँ पे भी कॉमन, कॉमन का कॉमन महाकॉमन, तो y माइनस टू अगर हम बाहर निकाल दे तो दूसरे घर में क्या बचेगा, y माइनस थ्री, ठीक है। तो इसका फैक्टराइज, तो हमें देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका आंसर। कोई चीज ना समझ में आई हो तो बताओ, पक्का लिख लो। कौन सा करें, तुम बोलो जो भी, एक करवाता हूँ, बाकी तीन आपको खुद अटेम्प्ट करना है। आप बोलो, मुझे तो चूज करो, मैं नंबर बता दो फिर भी आप बोल दो एक, कोई भी, सारे आसान है, ठीक है। चलो थर्ड वाला ट्राई करके देखते हैं। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो मुझे ए बी और सी बता दो। फिलहाल हम थर्ड वाला कर रहे हैं, हाँ, ए सिक्स बी फाइव और सी माइनस सिक्स। अभी ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल्स टू सिक्स मल्टीप्लाई माइनस सिक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस 36। अभी माइनस 36 को इस तरीके से तोड़िए कि जिसको ऐड करने के बाद हमें बी यानी कि 5 मिले, हमें बी इज इक्वल्स टू 5 चाहिए, हाँ 36। 36 को कैसे तोड़े कि 5 मिले, 9 4 0। अभी एक जवाब आ गया तो बाद में तो आ ही जाएंगे ना, चलो 9 4 36 प्लस 9 के माइनस 9 कैसे, 9 प्लस है और 4 माइनस, तो फिर प्लस आएगा ना 5, तो प्लस ही चाहिए ना हमें, तो माइनस 5 चाहिएगा, तो प्लस चाहिए ना, हाँ तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि प्लस आएगा, मैं बोला प्लस आएगा तो तुम लोगों ने चेंज कर दिया, प्लस 9 माइनस 4, देखो प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 और प्लस माइनस माइनस 9 4 36। अभी मिडल टर्म हमें मिल गए हैं तो बस स्प्लिट करने की देरी है, क्वेश्चन को पहले तो एज इट इज लिख दो, 6x² + 5x - 6। चलो मिडल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका हमें मिल गया है तो बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दो, 6x² + 9x - 4x - 6। अभी दो दो की जोड़ियां,
कॉमन निकालो इन दोनों में से, क्या निकलेगा? थ्री और एक्स, थ्री और एक्स दोनों कॉमन निकलेंगे, थ्री एक्स, तो बचा क्या? टू एक्स प्लस थ्री, राइट। अभी दूसरे में माइनस कॉमन तो निकलेगा, चलो क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए, माइनस टू अगर कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा टू एक्स, घर के बाहर माइनस निकला तो साइन चेंज हो जाएगा, थ्री कॉमन का कॉमन महा कॉमन, तो टू एक्स प्लस थ्री बाहर लेके आओ, तो बचा क्या यहाँ से? थ्री एक्स माइनस टू, जो कि है आपका, हो सकता है? तो बाकी एक दो तीन में भरोसा करोगे आप, कर लोगे अभी? हाँ तो शुरू हो जाओ। अभी फैक्टर थ्योरम ही है। अच्छा, सबसे पहले जो हमने किए थे प्रॉब्लम वो भी फैक्टर थ्योरम है, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया वो भी फैक्टर थ्योरम ही है, और अभी हम तीसरा करेंगे क्या? फैक्टर थ्योरम फॉर क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक तक तो हमें पता था, पर अभी एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया है जो इस फॉर्मेट में होगा। आपके सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे वो इसी फॉर्मेट में होंगे। आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हो कि सिलेबस कट हो गया, क्योंकि सिलेबस कट होने से पहले बहुत बड़ा 4 मार्क का 5 मार्क का तरीका था, वो आपको अभी नहीं करना है, आपको उसका शॉर्टकट करना है। तो उसका शॉर्टकट मैं आपको सिखा देता हूँ, और वो शॉर्टकट कुछ इस तरीके से हैं। ये आप कोई भी बुक में ढूंढ लो, नहीं मिलेगा इस प्रॉब्लम में। अच्छे अच्छे कभी कभी टीचर भी मुँह की खा जाते हैं, क्योंकि कैसे करना है किसी को कोई ज़्यादा आइडिया ही नहीं है, हर कोई अलग अलग तरीके से कर रहा है। आज तक के अभी भी सिलेबस कटने के बाद भी ज़्यादातर स्कूलों में, भावनगर के ज़्यादातर स्कूलों में पुराना वाला जो कट गया है सिलेबस वो सिखा रहा है। बोला नहीं सिलेबस कट गया फिर भी ये इसी तरीके से होगा, पर ऐसा नहीं है। दूसरा तरीका पॉपुलर नहीं है और ज़्यादातर किसी के ध्यान में नहीं है, तो इस तरीके को ध्यान में रखो। बुक में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, डाइजेस्ट में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, सीधा आंसर मिल जाएगा पर कैसे हुआ वो नहीं पता चलेगा। वो तरीका है डोंट चेंज साइन, डोंट चेंज साइन, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, सेम कोएफिशिएंट, सेम कोएफिशिएंट। स्टेप नंबर थ्री, रिड्यूस पावर, रिड्यूस पावर। और स्टेप नंबर फोर, बैलेंस, स्टेप नंबर फोर बैलेंस। स्टेप नंबर फाइव, रिपीट, मतलब जो हमने किया वो वापस से रिपीट करना है, ठीक है। अगर ये करोगे तो कभी कभी इससे भी जवाब नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए दूसरी प्रोसीजर है स्लैश चेंज साइन। क्या करना है? चेंज साइन। फिर से पहला स्टेप, सेम कोएफिशिएंट, रिड्यूस पावर, बैलेंस एंड रिपीट, ठीक है। पर अगर इससे जवाब ना आए तो चेंज साइन, सेम कोएफिशिएंट, रिड्यूस पावर, बैलेंस एंड रिपीट। ये 4 स्टेप 5 स्टेप आपको याद रहेंगे। ये 5 स्टेप लिख लो, उसके बाद प्रॉब्लम करवाता हूँ। चलो, तो स्टेप्स हमारे पास, एवरीवन, हथियार आपको मैंने दे दिए, पर चलाने, हाँ, जैसे कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सिखा दिया, पर हर बार अलग प्रॉब्लम पे उसको कैसे सेट करना है वो पजल की तरह आपको ही सॉल्व करना पड़ता है। तो ये हथियार है वो मैंने आपको दे दिया, अभी इसको चलाना भी सीख लो। ये फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब इक्वेशन हमारे पास देखो क्यूबिक इक्वेशन है और वो इसी फॉर्मेट में दिख रहा है। हाँ, कहीं पे प्लस माइनस का चेंज होगा बट फॉर्मेट वही होगा, ठीक है। अभी सबको स्टेप्स तो याद है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ, x³ - 23x²
एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, राइट। चलो सबसे पहले पहली चीज एज इट इज लिख दो, जो कि है हाँ इसको एज इट इज लिख दो एक्स क्यूब। अभी हमारे वो स्टेप शुरू करो, स्टेप्स क्या कह रहे थे, डोंट चेंज साइन। अच्छा इसकी साइन क्या है, प्लस, तो हमें साइन चेंज नहीं करनी है, डोंट चेंज साइन। नेक्स्ट स्टेप, सेम कोएफिशिएंट। अच्छा इसका कोएफिशिएंट क्या है, वन, तो इसका भी कोएफिशिएंट वन हम चेंज नहीं कर रहे हैं फिलहाल, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ वन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिड्यूस पावर। यहाँ पे पावर कितना था, तो अभी क्या हो जाएगा, देन बैलेंस। अभी इसको बैलेंस करना है इसके साथ, इसको क्या बनाना है ये, तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे प्लस वन को माइनस 23 बनाना हो, अगर मुझे प्लस वन को माइनस 23 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे बता दो, प्लस वन को क्या करूंगा कि मुझे माइनस 23 मिले, माइनस 24 करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस 24 एक्स स्क्वायर। तो देखो अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो ये बैलेंस हो गया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं बोलो, रिपीट। हाँ अभी क्या करना है, रिपीट। अभी इसको रिपीट करो वापस फिर से, क्या डोंट चेंज साइन, डोंट चेंज साइन, बाद में सेम कोएफिशिएंट, रिड्यूस पावर एक्स पावर वन एंड बैलेंस। अभी माइनस 24 को 142x बनाना है, कैसे बनाएंगे, हाँ माइनस 24 को 142 बनाना है, प्लस 160, हाँ इन शॉर्ट माइनस 24 में क्या ऐड करेंगे कि 142 आए, 166, सोचो 166, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 2 4 और ये 1, राइट, तो ये कितना हो गया, प्लस 166। ये प्लस था कि माइनस था, डोंट चेंज था ना, हाँ नहीं यहाँ पे तो प्लस ही करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए, हाँ एक्स पावर 1। उसके बाद बैलेंस के बाद रिपीट, फिर से रिपीट करो, फिर से डोंट चेंज साइन, इसकी साइन क्या है, प्लस, तो प्लस, फिर नेक्स्ट स्टेप सेम कोएफिशिएंट 166, फिर रिड्यूस पावर एक्स पावर 1 मतलब एक्स पावर 0, ठीक है, देन बैलेंस। हाँ अभी 166 को माइनस 120 बनाना है, हाँ 166 को माइनस 120 बनाना है, हाँ ना ये पति गया, ओला बॉक्स में आशे, बॉक्स में आशे, माइनस सॉरी 166 को माइनस 120 बनाना है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा, एक तो 686, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 286। अच्छा ये तरीका हमें किया, 166 में से क्या माइनस करोगे कि माइनस 120 आए, राइट। अभी ये तरीका हमने किया पर कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, और सबसे आसान तरीका है कि लास्ट वाले दो देखो, लास्ट वाले दो में अगर 120 सेट हो जाए तो हमारा आंसर सही है, मतलब जो सवाल का 120 है वो यहाँ पे सेट हो जाए तो हम जो कर रहे थे वो सही है, मतलब ये जो हमने किया वो ठीक नहीं बैठ रहा, राइट।
तो अभी हमें कौन सा दूसरा तरीका करना पड़ेगा जिसमें क्या था चेंज साइन। तो फिर से ये सब कुछ मैं रब कर रहा हूँ और अभी हम करेंगे सेम चीज पर रूल थोड़ा सा चेंज अभी चेंज साइन से। तो चलो सबसे पहले एक्स क्यूब को एज इट इज लिख दो, फिर डोंट से तो कर लिया आपने, डोंट से नहीं हो रहा, चेंज साइन। हाँ मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे चेंज साइन, बाद में सेम कोएफिशिएंट, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी वन, रिड्यूस पावर एंड बैलेंस, माइनस वन एक्स स्क्वायर को माइनस 23 एक्स स्क्वायर बनाना है, माइनस 22 माइनस 22 एक्स स्क्वायर, माइनस 22 माइनस 1 माइनस 23, सही जा रहे हैं? हाँ, ठीक है। फिर रिपीट क्या है अभी फिर से, चेंज साइन, माइनस है तो प्लस, फिर सेम कोएफिशिएंट, यहाँ पे 22 था तो यहाँ पे भी 22, फिर एक्स पावर 2 था तो एक्स पावर 1, देन बैलेंस, 22 एक्स को 142 एक्स बनाना है, प्लस 120 एक्स, राइट। फिर से रिपीट, हाँ चेंज साइन, हाँ सेम कोएफिशिएंट, रिड्यूस पावर एक्स पावर 0 एंड बैलेंस, 120 को 120 बनाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है? तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला मैच हो रहा है, तो अभी हमारा सब कुछ सेट हो गया, पर प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ। प्रॉब्लम को अगर और कंटिन्यू करें तो अभी हमें करनी है जोड़ियाँ, क्या करनी है जोड़ियाँ, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, ठीक है। पहली जोड़ी में क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर, तो बच क्या रहा है, वेरी नाइस। दूसरी जोड़ी में क्या कॉमन निकल रहा है, प्लस 22 या माइनस 22, माइनस 22 निकाले तो बचा क्या अंदर, एक्स माइनस 1, सर एक्स नहीं बचा, एक्स स्क्वायर है, माइनस 22x, अगर 22x कॉमन निकालना पड़ेगा ना, हाँ तो 22x कॉमन निकालना पड़ेगा, 22x निकाला तो यहाँ पे बचा x माइनस 1, सही है, ठीक है। तीसरे में 120 कॉमन तो अंदर क्या बचा, ऐसा क्या है जो तीनों के पास है, तो x माइनस 1 कॉमन का कॉमन महा कॉमन, उसको बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, पर प्रॉब्लम यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, इसको तो आप पहचानते ही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी यहाँ से क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए और सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख दो साइड में, ए हो जाएगा आपका 1, बी आपका हो जाएगा माइनस 22 और सी आपका हो जाएगा 120, तो ए मल्टीप्लाई सी यानी कि 1 मल्टीप्लाई 120 यानी कि 120 को आपको इस तरीके से तोड़ना है, वेरी नाइस, कि आपके पास माइनस 22 है, राइट, तो माइनस 12 माइनस 10 माइनस 12 माइनस 10, राइट। देखो माइनस माइनस प्लस, 12 टेन्स आर 120, माइनस 12 माइनस 10 इज माइनस 22, क्लियर। तो चलो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, x माइनस 1 को एज इट इज रहने दो, इसको करो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, जोड़िया x माइनस 1
इन दोनों में क्या कॉमन है? तो बचा क्या? अच्छा यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करता हूँ क्योंकि तो ये बचा x माइनस 12, इन दोनों में क्या कॉमन है? 10। तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 12। कॉमन का कॉमन महाकॉमन, तो ये क्या हो गया? x माइनस 1, यहाँ पे बचा x माइनस 12 और ये बचा x माइनस 10। तो देखो क्यूबिक स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमने तीन फैक्टर में तोड़ दिया जो कि है आपका खत्म हो गया ठीक है, पर पता चला ठीक है। फिर से तेजी से बता दो कि वो रूल्स क्या हैं अगर इस रूल को। हाँ देखो मैं मानता हूँ कि इसके 50-50 चांसेस है। आप चेंज साइन वाला करोगे तो पता चलेगा कि डोंट चेंज साइन से हो रहा था, और अगर डोंट चेंज साइन से करोगे तो पता चलेगा कि चेंज साइन से होगा। तो आपका काम यही है कि शुरुआत में तुक्का लगाओ, अगर बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला तरीका करो। हो सकता है इतना लिख लो, बाद में दूसरा भी करवा दो, ऐसे ही करना है, होगा। पर अभी तो आप पहली बार कर रहे हो, दो तीन प्रॉब्लम और करोगे ना तो बाद में आप ही मुझे बताओगे सर इससे होगा इससे नहीं होगा, आपके दिमाग में स्टेप्स बैठ जाएंगे। चलो अच्छा फिर से फैक्टराइज। देखो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है क्या करना है क्या नहीं, पर सवाल देख के आपको समझना है कि इसको किस तरीके से किया जा सके। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आएगा, पर एक आधा तोड़ने के बाद वहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ सबसे पहले किस पे दाव खेलना चाहोगे? वो डोंट चेंज साइन से या चेंज साइन से? चेंज साइन से आप बोलो जो भी बोलो ठीक है। चलो डोंट चेंज साइन से करते हैं। तो सबसे पहला टर्म तो एज इट इज ही लिखना था ना, फिर डोंट चेंज साइन यानी कि प्लस, फिर सेम कोएफिशिएंट यानी कि 1, फिर एक्स पावर 2 रिड्यूस पावर, फिर बैलेंस आपका हो जाए तो फिर यहाँ पे भी लेके लीजिएगा। हाँ वो तो डूबती नहीं है, तुम्हें भी ले डूबेगी वो, टाइटैनिक हो उसको घर में पाया से टाइटैनिक ही बुलाते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें लेके डूबेंगे वैसा है ठीक है। चलो 1x हाँ 1x स्क्वायर के बाद 1x बैलेंस 1x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाए इसको? ये बनाए माइनस 3x स्क्वायर हो गया ठीक है, फिर रिपीट पीट हाँ पीटो फिर हाँ क्या चेंज सही है या डोंट चेंज? तो माइनस फिर सेम कोएफिशिएंट रिड्यूस पावर फिर बैलेंस प्लस 2x देन हो गया ना रिपीट फिर डोंट चेंज साइन सेम कोएफिशिएंट रिड्यूस पावर बैलेंस तो बैठ गया। डोंट चेंज साइन से कि चेंज साइन से? डोंट चेंज साइन से बैठ गया। फिर क्या करते थे हम? जोड़ियां बनाते थे, एक जोड़ी दो जोड़ी तीन जोड़ी, फिर क्या कॉमन निकलेगा पहली जोड़ी में? एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या? फिर इसमें माइनस 3x, तो बचा क्या? एक्स प्लस 1, इसमें प्लस 2, बचा क्या? ऐसा क्या है जो तीसरे तीनों के पास है? कॉमन का कॉमन महाकॉमन, तो बचा क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब क्या करें? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हाँ तो ए कितना है? ए है 1। बी कितना है? माइनस 3। माइनस 3। और सी कितना है?
टू ए मल्टीप्लाई सी यानी कि वन मल्टीप्लाई टू यानी कि टू, टू को इस तरीके से तोड़ा जाए कि आपके पास माइनस थ्री आए, तो क्या मैं ऐसे लिखूं माइनस टू प्लस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, क्लियर है? ओके, तो हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मिल गया है, तो देर किस बात की, यहाँ पे सेट कर दो एक्स प्लस वन करली ब्रैकेट में, इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एक्स प्लस वन, यहाँ पे दो दो की जोड़ी, पहली जोड़ी में से क्या कॉमन एक्स, तो बचेगा क्या एक्स माइनस, दूसरी जोड़ी में से माइनस वन कॉमन, तो बचेगा क्या एक्स माइनस टू, करली ब्रैकेट क्लोज, कॉमन का कॉमन वहाँ कॉमन, एक्स प्लस वन यहाँ पे एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, जो कि है आपका सही है, समझ में आ गया? Yes, sir. लिख लो. Yes, sir. अगर समझ में आ गया है तो खुद से लिखना बिना देखे. बिना देखे. हाँ. बिना देखे. ट्राई करते हैं. चलो. किस पे दाव खेलोगे? चेंज साइन. चेंज साइन पे दाव खेलोगे? ठीक है. चलो. लिखवाओ. क्या करूँ मैं? पहले तो चेंज साइन. चेंज साइन में डॉट प्लस डॉट चेंज साइन. पर शुरुआत कहाँ से करूँ? चेंज साइन. पहले तो एज इट इज लिख दो ना पहला टर्म. हाँ, एक्स क्यूब. अभी डोंट चेंज साइन या चेंज साइन? डोंट चेंज साइन. प्लस सर, सर वोटिंग वोटिंग माइनस. डोंट चेंज साइन कितने बोल रहा है? डोंट चेंज तीन और चेंज साइन. चलो चलो चेंज साइन का बोलते जाओ. चलो ये प्लस है तो ये माइनस, बाद में सेम कोएफिशिएंट, रिड्यूस पावर, फिर बैलेंस. हाँ, क्या करो? माइनस टू एक्स स्क्वायर. हाँ, माइनस टू माइनस टू. दो मिनट वहां पे बैठो, मैं बुलाता हूँ. हाँ, माइनस टू एक्स स्क्वायर. माइनस टू एक्स स्क्वायर, फिर चेंज साइन. रिपीट ना, मतलब चेंज साइन. हाँ, फिर सेम कोएफिशिएंट. सेम कोएफिशिएंट, रिड्यूस पावर. रिड्यूस पावर, बैलेंस. बैलेंस तो माइनस 9x प्लस 2x में से माइनस 9x. 7 प्लस 7 तो प्लस 9 हो जाएगा ना, हमें माइनस 9 चाहिए. माइनस 11x. माइनस 11x, फिर रिपीट, फिर चेंज साइन, फिर सेम कोएफिशिएंट, रिड्यूस पावर, बैलेंस, मतलब माइनस 6 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म हो रहे हैं, जोड़ियाँ नहीं बनेगी, मतलब सारे लड़के एक साथ गलत है. हाँ, तो अभी लड़कियों का, हाँ बे मिनट हो भैया, अभी गर्ल्स का क्या था? डोंट चेंज साइन. डोंट चेंज साइन से ट्राई करते. तो यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज, डोंट चेंज साइन मतलब प्लस, फिर सेम कोएफिशिएंट, फिर रिड्यूस पावर, फिर बैलेंस. इसको ये बनाना है. हाँ, 1x² को माइनस 3x² बनाना है. अरे बोलो, तुम लोग भी बोलो. मतलब प्लस 3 हो जाएगा ना, माइनस 3 चाहिए. प्लस 1 प्लस हाउ मच इज इक्वल्स टू माइनस 3? माइनस, हाँ माइनस 4x², फिर पची, मने एको करावी ले दे पची. हाँ, पची 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 एको करावी लो न पची ना नहीं पीहू को पाठी जाए
बस तो कुछ हाँ हाँ त्यों दी तू जो पप्पा हूँ करेस ओके चलो आगे 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 हाँ रिपीट रिपीट तो फिर हाँ माइनस फोर एक्स स्क्वायर ये तो हो गया अभी रिपीट चेंज साइन या डोंट चेंज साइन आप तो चेंज वाला कर रहे थे ना आप डोंट चेंज साइन कर रहे थे हाँ तो डोंट चेंज साइन मतलब माइनस बार में सेम कोएफिशिएंट यानी कि फोर रिड्यूस पावर बैलेंस माइनस फोर एक्स को माइनस नाइन एक्स बनाना है माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स फिर माइनस डोंट चेंज साइन माइनस सेम कोएफिशिएंट रिड्यूस पावर जीरो मैच हो गया देखो ठीक है बाद में क्या करूं जुड़िया बना दूं जुड़िया बना दूं फिर x स्क्वायर कॉमन फिर x प्लस वन नहीं फिर माइनस फोर एक्स आप लोगों का ध्यान है यहीं पे हो तो बोलने का कितना लोगे सर हमने तो गर्ल्स को चांस देते हैं अगर देखो सामने वाला अगर थोड़ा डूब रहा है तुम लोग इंतजार करो पर अगर वो मरने की कगार पे है तब तो कूदो पानी में तुम लोग तो मरने के लिए हाँ भाई हमको झूठा बोल रहे थे तुम डूबो ऐसे नहीं करना है उसको बचाने के लिए कूद जाओ ठीक है कूदो अभी माइनस फोर एक्स तो बचेगा क्या फिर लास्ट में बचेगा क्या अभी हाँ कॉमन का कॉमन महा कॉमन यानी कि x प्लस वन बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज अभी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो ए कितना है ए है वन बी कितना है माइनस फोर सी कितना है माइनस फाइव ठीक है ए मल्टीप्लाई सी यानी कि वन मल्टीप्लाई माइनस फाइव यानी कि हो गया माइनस फाइव माइनस फाइव को इस तरीके से तोड़ना है कि हमारे पास माइनस फोर हो बताओ माइनस फाइव प्लस वन तो माइनस प्लस वन माइनस फोर माइनस प्लस माइनस फाइव वन जा फाइव साइड में भी सेट ऊपर भी सेट अभी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाओ एक्स प्लस वन करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज अभी बोलो तो सही हाँ फिर x प्लस वन इन दोनों में क्या कॉमन है तो बचेगा क्या हाँ इन दोनों में क्या कॉमन है कुछ भी नहीं यानी कि प्लस वन तो बचा क्या x माइनस फाइव अब क्या करना है हाँ तो x प्लस वन ये x माइनस फाइव और बचा क्या x प्लस वन जो कि है आपका ठीक है हो सकता है yes, अगर sir. समझ गए हो तो yes, बिना देखे yes, करो yes, sir. हाँ करो चलो किस पे दाव खेलना चाहोगे ठीक है तुम लोग ठीक है तो चेंज साइन से शुरुआत करते हैं हेल्प करो चलो मेरी सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए चेंज पहले तो एज इट इज लिखना है
एक्स क्यूब को एज इट इज लिख दो, बाद में चेंज साइन, माइनस बाद में सेम कोएफिशिएंट, फिर रिड्यूस पावर, फिर हाँ, तो माइनस वन एक्स स्क्वायर को 13x स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? प्लस 14x स्क्वायर, फिर रिपीट करो, चेंज साइन, माइनस, फिर सेम कोएफिशिएंट, फिर रिड्यूस पावर, फिर बैलेंस, कैसे होगा? माइनस 14x को प्लस 32x बनाना है, 32 प्लस 32 प्लस प्लस इन दोनों को ऐड कर दो ना, दो और चार 46 है, छः और तीन और एक चार, तो 46x, ठीक है। फिर से चेंज साइन, सेम कोएफिशिएंट, रिड्यूस पावर, गया, ठीक है, बैलेंस। माइनस 46 को प्लस 20 करना हो तो प्लस 66 करना पड़ेगा, मतलब हाँ जोड़ियाँ नहीं बन रही, चेंज साइन से नहीं हो रहा, मतलब बॉयस कंटिन्यूअसली दूसरी बार गलत, ठीक है, चेंज साइन हाँ, मतलब सभी गलत है ऐसे बोल सकते हैं। चलो तो अभी डोंट चेंज द साइंस है ना, ठीक है, चलो एक्स क्यूब एज इट इज, डोंट चेंज साइन मतलब प्लस, फिर सेम कोएफिशिएंट यानी कि वन, रिड्यूस पावर यानी कि एक्स स्क्वायर, बैलेंस वन एक्स स्क्वायर को 13x स्क्वायर, प्लस 12x स्क्वायर, फिर रिपीट, डोंट चेंज साइन, फिर सेम कोएफिशिएंट, रिड्यूस पावर, बैलेंस 12x को 32x, प्लस 20x, रिपीट, डोंट चेंज साइन, सेम कोएफिशिएंट, रिड्यूस पावर, क्लियर। चलो दो दो की जोड़ी, एक दो तीन, अभी पहली जोड़ी में क्या कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस, दूसरे में x प्लस वन, दूसरे में भी x प्लस वन, प्लस 20 x प्लस वन, ऐसा क्या है जो तीनों में है, x प्लस वन, बचेगा क्या, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ए मतलब क्या, बी मतलब क्या, सी मतलब क्या, ए मतलब वन, बी मतलब 12 और सी मतलब 20, ए मल्टीप्लाई सी यानी कि 1 मल्टीप्लाई 20 यो जो कि हो गया 20, 20 को ऐसे तोड़ो हाँ कि हमारे पास 12 मिले, 10 टू जा प्लस 10 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 2 हो गया, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर दो, तो x प्लस 1 करली ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, दो दो की जोड़ी, पहली जोड़ी में क्या कॉमन है, x कॉमन, तो बचा क्या, x प्लस 10, यहाँ पे क्या कॉमन है, टू, तो बचा क्या, x प्लस 10, ब्रैकेट क्लोज, क्या कॉमन है, तो x प्लस 1, x प्लस 10 कॉमन बाहर, और बचा x प्लस 2, जो कि है आपका आंसर, लिख लो, बिना देखे कोशिश करो, बिना देखे नहीं आज नहीं होगा सर, लिख के देता हूं, आंख बंद करके नहीं बोल रहा हूं, खत्म कर लेते हैं, चलो किस पे दाव लगाएं, चेंज साइन या डोंट चेंज साइन, डोंट चेंज साइन, डोंट चेंज साइन पे, वो थोड़ा बहुत 19 20 को अरेस्ट भी चाहिए,
डोंट चेंज साइन पे तुक्का लगाओ तो मेरी हेल्प करो, मैं क्या करूँ सबसे पहले? 2y³ लिख दूँ? डोंट चेंज साइन प्लस फिर सेम कोएफिशिएंट रिड्यूस पावर फिर 2y² को y² बनाना है, माइनस y, वेरी नाइस, माइनस y² फिर रिपीट चेंज साइन या डोंट चेंज साइन फिर 1y बैलेंस माइनस 1y को माइनस 2y बनाना है, प्लस 3y माइनस 2 बनाना है, अच्छा हाँ तो माइनस वाई फिर डोंट चेंज साइन सेम कोएफिशिएंट रिड्यूस पावर हो गया ठीक है। दो दो की जोड़ी, चलो पहली जोड़ी में क्या कॉमन निकलेगा? 2y² तो बचेगा क्या? वेरी नाइस, इन दोनों में माइनस वाई, माइनस वाई तो बचेगा क्या? वाई प्लस वन, इसमें कॉमन क्या निकला? माइनस वन कॉमन तो बचेगा क्या? वाई प्लस वन कॉमन बचा क्या? 2y² माइनस वाई माइनस वन। चलो ए बी सी बता दो क्या क्या है। A2, A है 2, B है माइनस 1 और C भी है माइनस 1। A मल्टीप्लाई C यानी कि 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 यानी कि माइनस 2। माइनस 2 को इस तरीके से तोड़िए कि हमारे पास B यानी कि माइनस 1 आए। 2 + 2 - 2 + 1 सही है, या तो प्लस वन माइनस टू भी चलेगा। ठीक है तो माइनस टू प्लस वन हो गया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। वाई प्लस वन करली ब्रैकेट 2y² माइनस 2y प्लस वन माइनस वाई, हाँ या ना? yes, सही लिखा है, सॉरी यहाँ पे 1y, हाँ सही है ना? yes, ओके। दो दो की जोड़ी, पहली जोड़ी में क्या कॉमन निकलेगा? 2y, तो 2y कॉमन निकालो तो बचेगा क्या? y प्लस वन, y माइनस वन, और यहाँ पे क्या कॉमन निकालो? y प्लस y तो बचा क्या? सॉरी यहाँ पे 1 ना, हाँ तो y कॉमन, y नहीं निकलेगा तो फिर 1 कॉमन तो y माइनस वन, y माइनस वन, y माइनस वन कॉमन तो y प्लस वन, यहाँ पे y माइनस वन और बचा क्या? 2y प्लस वन, हाँ या ना? क्लियर? yes, कर लो। yes, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में 10 आइडेंटिटीज के लिए तैयार रहना है। हाँ, 8th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में 4 आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, याद है? x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस ए, x प्लस बी। उसके अलावा और 6 आइडेंटिटी आपको पढ़नी है, पर हाँ सिर्फ फैक्टराइज करना है तो सीढ़ियाँ उतरनी है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट चैप्टर में चढ़नी नहीं है सर? नहीं भाई, उतार चढ़ाव।